नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, थर्ड हमारी जो सिक्स सेमेस्टर है उसकी थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। इसमें इसका लास्ट टॉपिक है हमारा एंटीवायरल एजेंट, तो आज डिटेल स्टडी करेंगे एंटीवायरल एजेंट पे। अगर आप नोट्स लिखना चाहो तो नोट्स भी लिख सकते हो, या आपके थ्योरी एग्ज़ाम के अनुसार ही बनाए गए हैं नोट्स, या आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए होंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत करना क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं? एंटीवायरल एजेंट सिंपल नेम में देखो, एंटी और वायरल। वायरल मतलब वायरस, कोई भी वायरस हो गया उसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे एंटीवायरल। तो सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। वायरस आर द ओब्लिकेट पैरासाइट विच आर केपेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वायरस के बारे में पढ़ने पहले अपन, केपेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली इनसाइड स्पेसिफिक सेल एंड डिपेंड लार्जली ऑन द होस्ट सेल बायोकेमिस्ट्री फॉर न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब वायरस होता है उसको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। मतलब वो जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, वो बॉडी के कॉन्टेक्ट में या अपने लंग्स में जाकर अपनी ग्रोथ करता है। मतलब वो जब तक अपनी बॉडी में प्रवेश नहीं करता तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो सेल्स से मिलकर एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। वायरस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल विच आर, मतलब ये ओनली वन कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए होगा इसमें या डीएनए, दोनों में से एक। वायरस हैविंग डीएनए, कौन कौन से ऐसे वायरस हैं उनके एग्जांपल देखें। डीएनए जिसमें प्रेजेंट होता है एडिनो वायरस, पेपो वायरस एंड पॉक्स वायरस। इसके बाद आरएनए प्रेजेंट होता है, ऐसे वायरस कौन कौन से हैं, मैक्सो वायरस और एरबिनो वायरस एंड पिक्रोना वायरस। वायरस प्रोड्यूस मैनी डिजीज लाइक डेंज, मेसल्स, पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, सॉरी डेंगू है, मेसल्स, पोलियो, रेबी, चिकन पोक, स्मॉल पोक, हर्प जोस्टर, हर्प सिंप्लेक्स। एंटीवायरल ड्रग आर ए क्लास ऑफ ड्रग विच आर यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन रेदर देन बैक्टीरियल वंस। दोस्तों ये पॉइंट हमने थोड़े गूगल से लिए हैं और दो तीन बुकों से मिलाकर पॉइंट अच्छे तरीके से लिखे हैं हमने, तो इनका ध्यान रखना। ये थ्योरी लग रही है लेकिन ये पॉइंट बहुत ही आसान है, इनको आप एक बार रीडिंग करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, और आप वीडियो को पूरा देखना। मोस्ट ऑफ एंटीवायरल आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन, मतलब एंटीवायरल मेनली इन्फेक्शन के रूप, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वर्क, मतलब यूज में लेते हैं अपन। एंटीवायरल ड्रग डू नॉट डिस्ट्रॉय देयर टारगेट पैथोजन, इंस्टेंट देयर इनहिबिट देयर डेवलपमेंट। उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसका डेवलपमेंट को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, मतलब बैक्टीरियो स्टैटिक्स होते हैं। दीज ड्रग आर यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस और थेरेपी ऑफ वायरस वायरल डिजीज, द प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन बाय इनहिबिटिंग वायरल डीएनए। मतलब जो ड्रग यूज होती है वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में दे रखा है। ये प्रिवेंट करती है रेप्लिकेशन बाय इनहिबिटिंग वायरल डीएनए को, इनहिबिट करके पॉलीमरेज बाइंड टू स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर एंड इनहिबिट वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, इनहिबिट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्लॉक लेट स्टेज ऑफ वायरस असेंबली। मतलब उसकी प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देते हैं वायरस के, जिससे वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं कौन कौन से एजेंट हमारे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में जैसे अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, वो यहाँ भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन हमारा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल दोनों में अपन को पढ़ना पड़ता है, तो इसको ध्यान से देख लो। अगर मेडिसिन आपने यहाँ पर पढ़ लिया तो आपको कोलॉजी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। डायरेक्टली क्वेश्चन किसी भी ड्रग से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे अभी ये ड्रग में स्टार मार्क है, इनका सिंथेसिस पढ़ना होता है हमें, आपके सिलेबस में भी ऐसा ही दे रखा है। तो इस पर पहली क्लास है एंटी हर्प्स वायरस। एंटी हर्प्स वायरस में कौन कौन सी ड्रग है, इंडोक्सोयूरिडीन, एक्लोवियर, एसाइक्लोवियर है सॉरी, वेलोक्लोवियर, फेनिक्लोवियर,
गैंसिक्लोवियर फोस्किनेट। सेकेंड है इसमें एंटी रिट्रोवायरस। इसमें दो क्लास दे रखी है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं, जिडोवुडिन, डेजानोजिन, जेलसीटाबिन, स्टेबुडिन, लैम्यूडिन, एबेकेवियर, टीनोफ्लोवियर। दोस्तों ये नाम इनको समझाया ना जा सकता, का ड्रग्स के नेम हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा इनको। तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर मतलब नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करने वाले एंजाइम हो गए, नेविरोपिन, एफेरोनेज, डेलोरिडिन। एंड सी है हमारा प्रोटीज इनहिबिटर। प्रोटीज इनहिबिटर में कौन कौन से एजेंट हैं हमारे, रोटनवियर, इंडिनवियर, नेफेनवियर, स्क्वेनवियर, एम्पेरेनवियर, लेपिनवियर। नेवियर क्लास की ड्रग है वो प्रोटीएज इनहिबिटर में आ रही है हमारी। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें कौन कौन सी है, एमनेटाडीन, रेमनेटिडीन, इनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। और एक जो ड्रग ऊपर आई थी एक्लोवियर, एसाइक्लोवियर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसका सिंथेसिस देखेंगे। नॉन एंटीवायरल ड्रग, नॉन सिलेक्टिव, उनका ये मतलब सिलेक्टिव नहीं होती है, रोबोविरिक्सविरिन, लेम्यूडिन, एडेफोविर, डिपिवोक्सिल, इंटरफेरॉन अल्फा। तो वेरियस एंटीवायरल ड्रग आर एक्सप्लेन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है उनका एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे, जिसमें कुछ का सिंथेसिस भी दे रखा है। तो स्टार मार्क ड्रग थी हमारी एमिनेटिन हाइड्रोक्लोराइड, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में देखते हैं। इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है, NH2 जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, इसका IPOC नाम है एमिनेटिन 1-amine क्लोराइड। ये वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देखिए एमिनेटिन एग्जर्ट एंटीवायरल इफेक्ट अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इट इनिबिट वायरल रेप्लिकेशन बाय कोजिंग इंटरफेयरिंग विद द इन्फ्लुएंजा ए वायरस, M2 प्रोटीन को इंटरफेयर करती है, जिससे जो भी हमारा वायरस होता है इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, इस कारण से वो ग्रो नहीं कर पाता है। मेन यही हो गया इसमें, यह थ्योरी है, अगर आपको नोट्स के हिसाब से देखना हो तो ये नीचे भी थ्योरी पढ़ सकते हैं आप, मैं स्किप कर रहा हूँ, या आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीन लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके यूज़ मेन उसका वही हो गया, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बैक्टीरिया वायरस की, इससे वायरस ग्रो नहीं कर पाता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है एमिनेटिडीन का, इट इज़ यूज इन द प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। इट इज़ आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ आइडियोपैथिक पार्किंसन में भी यूज होता है कभी कभी। बस सेकेंड हमारा रेमनेटिडीन, रेमनेटिडीन की स्ट्रक्चर सेम है हमारे एमिनेटिडीन की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है CH3, इसका एथेन जुड़ा हुआ, सॉरी IPOC नाम है 1-amine 10-1-ethene 1-amine HCl। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम होगा उसके जैसे, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लेते हैं एक बार अपन। इट प्रोड्यूस एंटीवायरल इफेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस बाय कोजिंग इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन ऑफ वायरल M2 प्रोटीन एंड प्रिवेंट द अनकोटिंग ऑफ वायरस एंड सबक्यूएंट रिलीज ऑफ इन्फेक्शनस वायरल न्यूक्लिक एसिड इन टू ए साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। दोनों का सेम मैकेनिज्म एक्शन है, इसका यूज कहाँ हो रहा है, इट इज एन RNA सिंथेसिस इनहिबिटर एंड इट इज यूज एज एंटीवायरल एजेंट इन द प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में वर्क करती है। इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्गेंसिम। इसके बाद देखेंगे एक्लोवियर या स्टार मार्क ड्रग है तो इसका सिंथेसिस भी पढ़ेंगे अपन। ये देखो स्ट्रक्चर है, आप इसको याद कर लेना, क्योंकि ऐसी जो अपनी स्टार मार्क ड्रग होती हैं वो मेनली एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनका सिंथेसिस पूछ लेते हैं, 5 नंबर में आराम से आ जाता है इतना क्वेश्चन।
इसका मैकेनिज्म ऑप्शन क्या है, एक्लोवियर गेट कन्वर्ट इनटू एसी क्लोवियर मोनोफोस्फेट बाय थायमिडीन काइनेज विच इज एंड देन कन्वर्ट इनटू डाइफोस्फेट बाय ग्वानिलेट काइनेज एंड फाइनली इन द ट्राइफोस्फेट बाय पाइरूवेट काइनेज। एक्लोवियर ट्राइफोस्फेट कम्प्लीटली इनबीट वायरल डीएनए पॉलीमर, मतलब ये बन जाता है इसमें एक्लोवियर ट्राइफोस्फेट जो कम्प्लीटली इनबीट करता है वायरल डीएनए पॉलीमरेज गो एंड कम्प्लीट विद द नेचुरल डिओक्सी गुआनोसिन ट्राइफोस्फेट फॉर इनकॉम्प्रेशन इन टू वायरल डीएनए। इट इनबीट डीएनए सिंथेसिस बाय एक्टिंग एज ए चेन टर्मिनेटर, मतलब डीएनए सिंथेसिस होता है उसको रोक देता है, तो हमारा वो जो वायरस होता है वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, अपनी स्पीसीज नहीं बढ़ा पाएगा। यूज कहाँ कहाँ है इसके, सॉरी यूज, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल एंड रिक्योरेंट म्यूकोटिनियस हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट में वर्क करता है, याद रखना। इट इज आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वर्सेला जोस्टर इन्फेक्शन, ये भी याद रखना। इन द इम्यून कंप्राइज एडल्ट एंड चिल्ड्रंस। सिंथेसिस देख लो इसका, एंटीवायरल ड्रग डॉक्सीगुआनिन एनालॉग एंड इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें देखो ये हमारा प्यूरिन एनालॉग है, सबसे पहले प्यूरिन एनालॉग ये वाला 2-amino-purine-4-1। प्यूरिन एनालॉग किसके रिएक्शन से रिएक्शन करेगा, 2-chloromethyl इथाइल बेंजोइड से रिएक्शन करेगा, तो हमारा ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो अपन को एक्लोवियर मिल जाएगा। दोस्तों सिंथेसिस आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये भी कई बार 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फार्मा फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जिससे भी उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारा भी मतलब वीडियो वायरल हो जाएगा थोड़ा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।